नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आपको पता है कि हमने ढेर सारे डिपार्टमेंट में आरटीआई लगा रखी है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट की लखनऊ जोन का जो आरटीआई का रिप्लाई है वो आ चुका है। लखनऊ जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर और टीए की जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है कि यहाँ पे 2022 और 2023 से ज़्यादा वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। तो कितनी क्या वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस पॉइंट पर बात करेंगे कि यूपी यानी कि लखनऊ जो है वो आपको कितनी रैंक तक मिल सकता है, लास्ट ईयर कितनी रैंक पे मिला है, इस बार कितनी रैंक तक मिलने के चांसेस हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक दो मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये आरटीआई हमने लगाई थी 9/4/2024 को। बाकी ढेर सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनमें हमने आरटीआई लगा रखी है और अब रिप्लाई जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको 10 या 15 दिन के अंदर जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसके जितने भी आपके जोन हैं उन सभी की सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकएंड वैकेंसी बता दूंगा। जहां पे टोटल वैकेंसी आ जाएंगी सीजीएल 2024 के लिए वो बता दूंगा। उसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बता दूंगा, उसके अलावा ऑडिटर की बता दूंगा। ढेर सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनमें हमने आरटीआई लगा रखी है और अब रिप्लाई जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो 9 तारीख को ये आरटीआई लगाया गया था और इसका जो रिप्लाई है ये पार्टिकुलर इस जोन में ये 18/4/2024 को सेंड किया गया और 22 तारीख को ये आपका आरटीआई का रिप्लाई जो है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे पहला जो हमने क्वेश्चन पूछा था वो सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और बैकएंड वैकेंसी के रिगार्डिंग पूछा था और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि कितनी वैकेंसी 2024 के लिए रिपोर्ट हुई है यहाँ पे। ठीक है, और चूंकि अभी क्या है कि अभी टाइम है आपका, ठीक है, नोटिफिकेशन आने में, तो अभी वैकेंसी जो है वो आपकी अपडेट हो सकती है और यहाँ पे उम्मीद ये है कि इंस्पेक्टर की वैकेंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। तो सैंक्शन स्ट्रेंथ और अगर हम वर्किंग स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंक्शन स्ट्रेंथ इन लखनऊ जोन फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, जो इंस्पेक्टर की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1286 है, जबकि टीए की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 340 है। जबकि इन्होंने जो वैकेंट वैकेंसी है वो टीए की बताई है लेकिन इंस्पेक्टर की अभी नहीं बताई, कुछ उसका कोर्ट केस का जो इशू है वो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो टीए की यहाँ पे वैकेंट वैकेंसी है वो 79 है और 79 में वैकेंसी जो है वो टीए की 32 रिपोर्ट हो चुकी है, यानी कि 50% के आसपास जितनी वैकेंट वैकेंसी है उसका 50% जो वैकेंसी है वो यहाँ पे रिपोर्ट हो चुकी है, यानी कि आपकी लखनऊ जोन में जीएसटी डिपार्टमेंट में टीए की जो वैकेंसी है इस बार अभी का जो सीनेरियो है वो ये है कि 32 वैकेंसी टीए की आपकी रिपोर्ट हुई है। बल्कि अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें तो 37 वैकेंसी अभी के सीनेरियो में आपकी रिपोर्ट हुई है, जबकि इन्होंने इसका वैकेंट वैकेंसी का डाटा नहीं दिया है। तो अभी आने वाले टाइम में हो सकता है ये वैकेंसी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो अभी जो टीए की वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है जीएसटी डिपार्टमेंट में लखनऊ जोन में वो आपकी 32 रिपोर्ट हुई है, उसके अलावा इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 37 आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। अब ये वैकेंसी और भी इंक्रीज हो सकती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्टर की जो बैकएंड वैकेंसी उसका डाटा यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये वैकेंसी और भी आपकी इंस्पेक्टर की इंक्रीज हो सकती है, बाकी टीए की इंक्रीज नहीं होगी। तो अभी 37 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है जो कि 2022 और 2023 से ज़्यादा है। 2022 में अगर हम बात करें तो 2022 का आप चार्ट देख सकते हैं। 2022 में आप देख सकते हैं लखनऊ जोन में जो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी थी वो 34 थी। कैटेगरी वाइज अगर देखें तो यूआर की आपकी 14 वैकेंसी थी, एससी की 5, एसटी की 3, ओबीसी की 9 और ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी थी। ओवरऑल जो जीएसटी डिपार्टमेंट वैकेंसी थी वो आपकी थी 1113, जबकि इस बार जीएसटी डिपार्टमेंट में इससे ज़्यादा वैकेंसी आपको रिपोर्ट हो ही चुकी है आपकी। ठीक है, और कहीं ज़्यादा वैकेंसी आपकी होने वाली है। ठीक है, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में इस जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में 13 वैकेंसी थी, जिसमें यूआर की वैकेंसी 4 थी, ओबीसी की 4 वैकेंसी थी, ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी थी, एससी की 1 भी वैकेंसी नहीं थी, एसटी की बात करें तो 3 वैकेंसी थी। ठीक है, यूआर में अगर बात करें कितनी रैंक तक लखनऊ मिला था तो आपका 132 रैंक तक जो है वो आपका यूआर कैटेगरी में आपको लखनऊ जोन मिल गया था 4 वैकेंसी पे। ठीक है, ओबीसी में 4 वैकेंसी पे 695 रैंक तक ये आपका लखनऊ आपको मिल गया था। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 360 रैंक तक मिल गया था, एसटी की बात करें तो 611 रैंक तक मिल गया था। तो अभी का अगर सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे 37 वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हुई है जीएसटी इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है आपकी, ये आप मान के चल सकते हो कि लगभग 3 गुना वैकेंसी है, लेकिन अभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी नहीं पता है। लेकिन फिर भी अगर यूआर कैटेगरी का मैं आपको डाटा दूँ तो 250 के आसपास अगर आप रैंक लाते हो तो आपको लखनऊ मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये सारी डिटेल थी, बाकी
जो भी आपके आरटीआई के रिप्लाई आते रहेंगे मैं उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट देता रहूँगा। और स्टार्ट हो चुका है आरटीआई का रिप्लाई आना, तो अब लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।